1000 करोड़ से ऊपर का उद्योग नहीं लगा। आपने कहा क्या? अब बताइए, आप ही साधारण सा आदमी अगर पान गुमटी खोलने जाइएगा, कोई कहेगा कि हम 5 रुपये आपको यूनिट देंगे, या दूसरा स्टेट बोलेगा कि 10 रुपये यूनिट देंगे, तो जो 1000 करोड़ का व्यापार लगाएगा तो बगल झारखंड में नहीं लगा लेगा, छत्तीसगढ़ में नहीं लगा लेगा, उसको क्या व्यवस्था है, उससे बिहार से क्या मोह है किसी व्यापारी को? व्यापारी को तो भाई जहाँ 2 पैसा फायदा होगा वहीं ना वो व्यापार करेगा। आपका बिजली का यूनिट है मोटा मोटी 9 रुपया इंडस्ट्री को, एसटी कंज्यूमर को, और अदर स्टेट में है 4 रुपया, तो 5 रुपया पर यूनिट जहाँ पर अंतर है काहे कोई लगाएगा यार? देखिए, यहाँ पर वही यूनिट लगेगा जो गन्ना आधारित होगा, जो बगास से जो बिजली उत्पन्न करेगा, जिसका अपना प्रोडक्शन होगा बिजली का, वही यूनिट यहाँ लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। बाकी कितना भी 5 साल नहीं यार, 15 साल तो देखते देखते लग गया, एक भी सुई का फैक्ट्री नहीं लगा, तो और जितना दिन का, तो भाई कार्यकाल कितने दिन का हम तो नहीं जानते हैं, हम कब इनका दम निकाल देगा, अब VIP कब इनका कुर्सी खींच लेगा, ये तो एक प्रश्न है। सदन में आपने क्या दावा किया? आपने कहा हमने दावा ये किया कि आप जो बोल रहे हैं कि रेड कारपेट हम बिछाएंगे, तो इस सृष्टि में जो रंगों का निर्माण हुआ है, उस 7 रंगों से पूरे सृष्टि का रंग का निर्माण होता है, बैनी या पिनाला, ठीक है, हम 7ों रंग का कारपेट बिछा दीजिए, और इसी बिजली बिल पर अगर कोई भी व्यापारी 1 यूनिट 1000 करोड़ रुपया लगाने के लिए आ जाए, तो उस दिन आपके घर पर हम लोढ़ी सिलौटी में मसाला पीसेंगे। ये तो कह रहे हैं, डीलर बुलाएंगे आपको। अरे छोड़िए ना भाई, अब मंत्री बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो क्या बोलेंगे कि ना हम फेल कर जाएंगे? मुख्यमंत्री के सामने उनको स्कोर लेना है ना, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है शाहनवाज जी का, चूंकि भारत में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 6 विभाग संभाल चुके हैं, उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट से जिसको लाभप्रद फैक्ट्री खोलना है, जैसे मक्का आधारित कोई प्लांट खोलेगा, स्टार्च का खोलेगा, आपको एथेनॉल का खोलेगा, बाकी कहाँ खुलने वाला है यार, देखते रहिए। एथेनॉल का हब बनेगा बिहार, देश का डॉलर बचाएगा बिहार, जो लाखों रुपया खर्च होता है तेल खरीदने में, बायोडीजल जो इसको इथेनॉल कहते हैं, वो बिहार उसमें नंबर 1 बनेगा, और उद्योग भी तेज़ी से लगेगा, नौजवानों की उम्मीद पूरी होगी, जिस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमें ये जिम्मा दिया है, और बिहार के लोगों की जो उम्मीद है उस पर खड़े उतरेंगे, ये विश्वास मैंने दिलाया है। जो भी प्रपोजल आएगा उसको 1 हफ्ते में क्लियर करेंगे, महीना नहीं। विपक्ष का ज्यादा जोर जो था वो सुई की फैक्ट्री पर था और मसाले की बात की जा रही थी। एक इतनी महंगी बिजली में कौन आपके यहाँ लगाएगा? देखिए, उनकी शंका दूर कर दी है, जो बातें कही मैंने, कोई जो बातें आज असेंबली में विधान परिषद में कही है वो दिल से कही है। बिहार के लोगों की उम्मीद का ये बजट है, ये मंत्रालय है, उस उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। सर, MNC को लेकर बिहार के लिए आबादी की क्या ब्लूप्रिंट है, बाहर की जो कंपनियां बिहार कब तक? एक बार विस्तार से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी पूरा समझ रहे हैं, प्रपोजल्स बहुत हैं, और एक ईमानदारी से उद्योग मंत्रालय काम करेगा। किसी को कोई शिकायत हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर जारी करूंगा, तुरंत उस पर हमको शिकायत करें। जो विधान पार्षद हैं या विधायक हैं, उनके पास कोई भी प्रपोजल हो डायरेक्ट मेरे पास लेकर आए, और मैंने सबका सहयोग मांगा है। सर एक सवाल है सर, कुछ हफ्ते हो गए हैं आपको मंत्री हुए, अभी आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि हम इतना विकास करेंगे, आज बिहार की क्या ग्रोथ रेट है सर इंडस्ट्री की? वो तो बता दिया मैंने। कितनी सर? अभी जो ग्रोथ रेट है, अभी 20 प्रपोजल आ गए हैं जब से मैंने ये विभाग संभाला है। छोड़िए कल की बातें, कल की बात पुरानी, इस नीतीश जी के नए दौर में लिखेंगे।